आज माननीय मुख्यमंत्री जेडीयू द्वारा वर्चुअल रैली बुलाई गई। आज सुबह हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से जो उज्ज्वलन मुद्दे हैं उस पर 10 सवाल पूछे थे और बड़ी आशा थी हमें कि उन सभी 10 सवालों का तार्किक जवाब वो बिंदुवार देने का काम करेंगे, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने कुछ भी ऐसी बातें जो सवाल बिहार जिसका जवाब जानना चाहता है जिन सवालों का, उसका जवाब माननीय मुख्यमंत्री जी ने नहीं दिया। वर्चुअल रैली में जब मुख्यमंत्री जी बोल रहे थे तो उनके चेहरे पे बड़ी परेशानी नजर आ रही, झलझलाहट जो है वो नजर आ रहा था। और जो आज की जो वर्चुअल रैली है, जो हश्र 1 मार्च के एक्चुअल रैली में जो हुआ था, सुपर डुपर फ्लॉप, उसी तरीके का हाल जो है, उसी तरीके का जो हाल जो है इनके वर्चुअल रैली का भी होगा। यानी बिहार की जनता ने नीतीश कुमार जी को नकार दिया, ये निश्चय संवाद जो है निश्चित तौर पे नीतीश जी का हाथ बन चुका है। और कई बार जो है जो उज्ज्वलन जो सवाल है उसके जवाब देने के बाद बजाय उन्होंने कई बातें कही हम पे, लालू जी पे, अतीत के जो बासी बातें हैं उन बासी पन्नों को उन्होंने खंगालने का काम किया। हम चाहेंगे कि जो जो बातें कही, हालांकि मुख्यमंत्री जी का जो अनुभव है, जितना राजनीतिक अनुभव है उतनी मेरी उम्र भी नहीं होगी, लेकिन फिर भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे 10 सवालों का जवाब जो बिहार जानना चाहता था उन्होंने नहीं दिया। लेकिन मैं फिर भी बार बार हम कहते हैं कि मुख्यमंत्री जी को हम चुनौती देते हैं, जहां कहीं भी डिबेट बुलाना हो आप हमसे बहस कर लीजिए विथ लॉजिक, फैक्ट्स और फिगर, तथ्यों के साथ हम डिबेट करेंगे और आपको हम चुनौती देते हैं। बिहार विधानसभा में भी माननीय मुख्यमंत्री जी जो थे, जब हम लोगों ने डिबेट कोरोना पे किया तो उसका भी कोई जवाब नहीं। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने संवाद वर्चुअल रैली में बोला कोरोना के बारे में, मतलब 6 महीने बाद भी फलना मशीनें आएंगी, ये लिया जाएगा, ये किया जाएगा, मतलब 6 महीने बाद भी अभी तक आरटीपीसीआर जो जांच होनी चाहिए 1 लाख मिनिमम, जिसको लेकर के कई बार सेंट्रल टीम से लेकर के कई लोगों ने सलाह दी, वो अब तक उन्होंने पूरा नहीं किया। खाली एंटीजन टेस्ट के फर्जी आंकड़े के सहारे लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने ये भी बात कही, लेकिन क्वारंटाइन के बारे में बात कही, मजदूरों के बारे में बात की, लेकिन ये नहीं कहा कि उन्होंने रोक लगाई, अपने ही बिहार के लोगों को आने से उन्होंने ही रोका, उन्होंने ही उनके डिपार्टमेंट ने चिट्ठी निकाला कि बिहार के लोग गुंडे हैं, आएंगे तो गुंडा ही करेंगे, बिहार के लोग क्रिमिनल हैं, ये उन्होंने जिस चिट्ठी को हमने फाड़ा था उसका जिक्र नहीं किया। और इन्होंने कहा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कि जो भी सेंटर में आया क्वारंटाइन सेंटर में उसको प्रति व्यक्ति जो है 5,000 रुपया दिया गया, रेलवे का खर्च भी नहीं दिए, ये पूरी बात नहीं बता रहे। हम तो यही कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी को हम चैलेंज करते हैं, जिनको आपने क्वारंटाइन करके 5,000 रुपया दिया वैसे 100 लोगों को माननीय मुख्यमंत्री जी खड़ा कर दीजिए, वैसे 100 लोगों को आप खड़ा कीजिए,
140 दिन से तो आप निकले नहीं बाढ़ महामारी में, कोरोना में, और बार बार इंजाम हम पे क्या लगा रहे थे? ज्ञान नहीं है, ज्ञान नहीं होता है कुछ लोगों को, ठीक है आप जो भी बोले, लेकिन आप तो 140 दिन से निकले ही नहीं, आपने तो हकीकत देखी नहीं। बाढ़ में तो हम गए, नाव पे हम चढ़े, मजदूरों से हम मिले, उनकी खाने पीने की ले जाने लाने की व्यवस्था हमने कराई, ग्राउंड में हमने रोड से जो है घूमने का काम किया। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको तो वही ज्ञान है जो अधिकारी आपको लिख करके दे देता है और आप वही बात जो है बोलने लगते हैं। उदाहरण हम दें ज्ञान की, तो यही मुख्यमंत्री जी की दूरदर्शिता थी कि बिहार विधानसभा में कोरोना महामारी के समय बोलते थे कि मास्क मत पहनो, बोलते थे। उस समय मुख्यमंत्री जी बोला, रे भैया जो स्वास्थ्य डिपार्टमेंट दिया वही हम पढ़ दिए। तो अगर ज्ञान की बात अगर मुख्यमंत्री जी करते हैं तो हम उनको साफ तौर पे बोलना चाहते हैं कि हमने हकीकत देखा है, हम लोगों से मिलके आए हैं, चाहे वो चंपारण का इलाका हो, चाहे दरभंगा मधुबनी का इलाका हो, या छपरा प्रमंडल हो, ये बातें देखिए। तो ज्ञान की बातें तो आप उसको जो अधिकारी दे रहा है वो आप मत बोलिए। आपने कहा रोजगार की बात पे, आज कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री जी जो है कहीं ना कहीं फंबल कर रहे थे, फिसल रहे थे, ठीक से जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने कह दिया, झूठ का पहाड़ बना दिए। उन्होंने कहा कि 14 करोड़ मानव दिवस का सृजन किया और प्रतिदिन जो है 10 लाख लोगों को काम दिया जा रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी, 10 लाख लोगों का हम आपसे लिस्ट चाहते हैं, वो लिस्ट जो है पब्लिक कीजिए। नहीं मिल रहा है, जिनका रोजगार था वो भी छीन लिया गया। और कल तो बेरोजगारों ने हर जगह जो है पूरे देश भर में आंदोलन किया है, धरना किया है, प्रदर्शन किया है। अब बिहार तो बेरोजगारी का केंद्र बन गया है। इन्होंने 15 सालों में एक भी रोजगार जो है नहीं दिया, केवल वो बताएं कि किन 10 लाख लोगों का जो है उनके स्किल टेस्ट के साथ जो है सूची सार्वजनिक करें। मानव दिवस नहीं, यह बताएं कि कितने मानवों को उन्होंने काम दिया। मानव दिवस का जो रोजगार का सृजन के बारे में बात नहीं कर रहे, मानव दिवस नहीं बल्कि वो नीतीश कुमार जी ये बताए कि कितने मानव का काम किया, और जो 10 लाख जो आंकड़ा जो दे रहे हैं उसका लिस्ट जो है वो नीतीश कुमार जी जो है वो बताएं कि कौन कौन लोगों को काम दिया। मुख्यमंत्री जी ने आज ये कहा, ध्यान से सुनिएगा, मुख्यमंत्री जी ने ये कहा कि पहले का सरकार जो है कोर्ट और सरकार में कितनी तल्ख टिप्पणियां हुआ करती, 20 साल पुरानी बात कर रहे हैं कि कोर्ट ने बिहार सरकार को क्या क्या कहा था, उसका प्रचार करो, प्रसार करो। मुख्यमंत्री जी को लगता है उम्र का असर हो चुका है, उनको 20 साल बाद पुरानी बातें याद है, लेकिन 1.5 साल पहली बातें सृजन घोटाला में या बालिका गृह मुजफ्फरपुर में पटना हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट ने क्या क्या लतान मारी है नीतीश कुमार जी को, जरा ये हम याद दिलाते थे। शब्दों पे जाइएगा, इस राक्षस राज में वो जंगल राज की बात कर रहे हैं, 20 साल पुरानी बातें उनको याद है, लेकिन 1.5 साल पुरानी बातें उनको याद नहीं है। पटना हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के शब्द जरा सुनिएगा, अमानवीय है बिहार सरकार, अमर्यादित है, अशोभनीय है, शर्मनाक है और डरावना तक है। माननीय मुख्यमंत्री जी, ये तो 1.5 साल पहले की बातें हैं, ये तो सुप्रीम कोर्ट के लफ्ज है, ये तो पटना हाई कोर्ट के लफ्ज है, और आप क्या जंगल राज बोलते हैं कि बिहार को बदनाम किया हम लोगों ने, हम लोग बिहार को बदनाम कर रहे हैं। माफ कीजिएगा नीतीश कुमार जी, दर्जन भर मंत्री आपके एनडीए की सरकार में
जिसमें आप भी थे, अटल जी का सरकार था, आप लोगों ने बिहार को बदनाम किया जंगल राज की बातें करने में। और अगर एनसीआरबी का आंकड़ा निकाला जाए तो बिहार में जंगल राज नहीं, जहां 4 घंटे में एक बच्ची के साथ रेप होता है, 5 घंटे में एक हत्या होती है, बिहार में 40% है क्राइम का दर, देश का औसतन जो है वो 21 है। तो आज हम राक्षस राज है और आप जो है डर की बात कर रहे हैं। आपने तो बिहार को बदनाम कराने के लिए फिल्में बनवाई, और जिन जिन लोगों ने फिल्में बनवाई आपने उनको चुनाव का टिकट तक दिया। याद कीजिएगा, जिन जिन लोगों ने बिहार को बदनाम करने वाली फिल्में बनाई उस दौर में, नीतीश जी ने बनवाई, इन्होंने बदनाम करवाया, और तो और उनको टिकट तक दिलवाया, चुनाव का टिकट तक दिलवाया। ये हम लोगों को ज्ञान नहीं है क्या? ठीक है, आपको लगता है कि ज्ञान नहीं है, लेकिन आज आप इतने परेशान रहे हैं। आपसे तो हमने पलायन के बारे में, भूखमरी के बारे में, बेरोजगारी के बारे में, कारखानों के बारे में ही सवाल पूछे थे, आपने कोई जवाब तक नहीं दिया। तो हम तो देखिए ज्यादा कुछ हम नहीं कहना चाहते हैं, हम तो साफ तौर पे चुनौती दे रही है, लेकिन ये वर्चुअल के बहाने एक्चुअल से भागने नहीं देंगे, वर्चुअल के बहाने एक्चुअल स्थिति से भागने नहीं देंगे। आप भले ही भागते रहेंगे, लेकिन हम डेली तर्क के साथ, फैक्ट्स और फिगर के साथ, तथ्यों के साथ आपको डेली हम सवाल पूछने का काम करेंगे। हमारे पास सवालों का बौछार है जो बिहार जानना चाहता है। आप देखिएगा शिक्षा की बात की, लेकिन नीति आयोग के हर एक मानकों में, सूचकांक में बिहार जो है फिसक गई है, चाहे शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, जिसका जिक्र हमने बिहार विधानसभा में भी किया, जिसका कोई जवाब नीतीश कुमार जी के पास नहीं था, हमारे पास है। वो शिक्षा की बात करते तो उनको बताना चाहिए ना, प्रारंभिक और माध्यमिक विद्यालयों में, कक्षाओं में ड्रॉप आउट रेट क्यों अधिक है बिहार का, क्यों छोड़ करके चले जाते हैं बच्चे, बताइए। नीतीश कुमार जी इनको इनको बोलना चाहिए था। आप देखिएगा बिहार के पैकेज का, स्पेशल पैकेज का क्या हुआ, बिहार को स्पेशल स्टेटस, स्पेशल राज्य का दर्जा दिलाने की बात नीतीश कुमार जी भूल गए क्या? इस पे कोई जवाब क्यों नहीं देते नीतीश कुमार जी? आप देखिएगा नियोजित शिक्षकों को नियमित क्यों नहीं किया गया, यानी अभी भी उनके भविष्य के साथ कहीं ना कहीं से खिलवाड़ किया जा रहा। लालू जी ने तो 7-7 विश्वविद्यालय जो है बिहार में स्थापना की थी, ये बता कि इनके कार्यकाल में कितने विश्वविद्यालय लगे। शिक्षकों के नियोजन में व्यापक भ्रष्टाचार और फर्जीवाड़ा क्यों हुआ, नीतीश कुमार जी बताएं। नियुक्ति से जुड़े दस्तावेज गायब हैं, क्यों गायब हैं, किसने गायब किया है, समान काम समान वेतन की उनकी वाजिब मांग को क्यों नहीं माना गया। आप देखिएगा शिक्षकों का 2 लाख से अधिक पद जो है रिक्त है, इन पदों पर अस्थाई और संविदा पर ही बहाली करने को इच्छुक है, जो रिक्त पद है उस पर क्यों नहीं स्थाई परमानेंट जो है उन लोगों को जो है नौकरी दिया जाए। पुलिस कर्मियों का लगभग जो है 50,000 से अधिक पद जो है वो रिक्त है। हमने कल भी पूछा था कि लगभग 4.5 लाख अलग अलग विभागों में, अलग अलग विभागों में जो है नौकरियां रिक्त है, 4.5 लाख उनको क्यों नहीं भरा गया है अब तक। इसी तरीके से आप देखिएगा तो यहाँ प्रति 1 लाख की आबादी पर सिर्फ 77 पुलिस कर्मी है, सिर्फ 77 प्रति 1 लाख पर। तो इसका जवाब कौन देगा नीतीश जी? आप ये भी बताइए कि जूनियर इंजीनियरों के भी 66% पद क्यों खाली है बिहार में। जूनियर इंजीनियर जितने हैं लगभग 66% पदे जो है वो खाली है। एक अपने 15 साल में एक भी मल्टी स्पेशलिटी जो है हॉस्पिटल का निर्माण इन्होंने नहीं किया है,
आप देखिएगा इलाज के लिए आज भी जो लोग हैं बिहार के लोग हैं बाहर जा रहे हैं, पलायन कर रहे हैं, शिक्षा के लिए जो है पलायन कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों, पलायन क्यों नहीं रोका आपने? स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली है, ऐसा क्यों? स्वास्थ्य विभाग में कुल स्वीकृत पदों के मुकाबले 3/4 पद खाली है, ऐसा क्यों? डॉक्टर हो या नर्स, सभी पदों की हजारों पद खाली पड़ी हुई है, इसमें नौकरियां क्यों नहीं दी जा रही है? ये नीतीश कुमार जी को बताना चाहिए। नीति आयोग का जितना भी सूचकांकों पर बिहार साल दर साल क्यों पिछड़ता चला जा रहा है? 58 घोटाले हुए जिसमें कि 20,000 करोड़ का घोटाला हुआ, बिहार का पैसा डूबा, इस पे नीतीश कुमार जी क्यों नहीं कुछ बोलते? आज तक जांच क्यों नहीं हुआ? उन पैसों को बरामदगी करने के लिए इन्होंने क्या कार्रवाई की, क्या एक्शन किया? ये तो बिहार की जनता का पैसा था 20,000 करोड़। सृजन घोटाले में अपने ही पार्टी के नेताओं पर आपने क्यों कार्रवाई नहीं की? भ्रष्ट होकर साहों पर आपने क्यों नहीं कार्रवाई की? उल्टे आपने उनको जो है पुरस्कृत करने का काम किया। रिटायरमेंट होने के बाद भी जो है सेवा विस्तार आपने किया, आखिर ऐसा क्यों? 7 निश्चय योजना, ये हमारे गठबंधन जो महागठबंधन था वही चल रहा है, लेकिन इसमें अगर देखिएगा जब इंप्लीमेंट होने लगा तो 7 निश्चय योजना में भ्रष्टाचार क्यों बढ़ा है? किसी भी पंचायत में इसका क्रियान्वयन सही ढंग से क्यों नहीं हो पाया है? मुजफ्फरपुर सेंटर होम जैसे विभिन्न कांड में संलिप्त अपने नेताओं को क्यों बचा रहे नीतीश कुमार? दलितों पर अत्याचार क्यों बढ़ा? NCERB के आंकड़ों के अनुसार दलितों पर सबसे ज्यादा अगर अपराध होता है तो वो बिहार है। तो आप तो देखिएगा बिहार का जो है 40.7 है, जबकि राष्ट्रीय औसत जो क्राइम का 21.8 है। मनरेगा के तहत आपने कितने लोगों को रोजगार दिए? प्रधानमंत्री द्वारा तथा कथित 165 लाख करोड़ रुपए का पैकेज योजनावार और विभागवार खर्च कितना और कहां हुआ, इसका आंकड़ा सार्वजनिक करें नीतीश कुमार जी। विगत 5 सालों में सरकार से कितने पैसे मिले और कितनी योजनाएं मिली, इसकी जानकारी जो है नीतीश कुमार जी बिहार के लोगों को बताएं। इन सभी सवालों का जवाब मांग रहा है बिहार। कहां और कब तक भागेंगे आप नीतीश कुमार? आप सुनिएगा, इन सभी सवालों का जवाब मांग रहा बिहार। कहां और कब तक आप भागिएगा नीतीश कुमार जी? तो ये सारे जो प्रश्न है इसका जवाब नीतीश कुमार जी को देना चाहिए। हालांकि आज का अगर हम आंकड़ा निकालें फेसबुक का, ट्विटर का, इंटीग्रेटेड करने के बावजूद भी, इंटीग्रेटेड का मतलब ये होता है कि सारे अकाउंट को आप जो है लिंक कर देते हैं। हमको नहीं लगता कि 15,000 से भी ज्यादा लोग जब नीतीश कुमार जी बोल रहे होंगे तो होंगे अलग अलग पेज में। ट्विटर में तो 500 के करीब वो हम लोगों ने निकलवाया हुआ, लेकिन हम ज्यादा थोड़ा सम्मान करते हैं भाई, बिहार की बेइज्जती ना हो। 15 साल जिस व्यक्ति, क्योंकि देश का सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, सबसे अनुभवी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं देश के, लेकिन क्या क्या नहीं बोलते रहते हैं। अरे आप अपने काम को बताइए ना, आप जो है सवाल से भटकने के लिए इधर उधर की बातें करते रहते हैं। ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब पे, या कई हमारे साथी जितने पोर्टल चैनल वाले हैं उन्होंने लाइव जो किया था इंटीग्रेटेड, उन सब का अगर हम ब्यौरा निकाले तो भी 15,000 से ऊपर नहीं जाता है, बल्कि डिसलाइक ज्यादा है। तो ये तो साफ हो गया कि इनकी जो एक्चुअल रैली जो महाफ्लॉप थी, जो कि इतिहास में सबसे फ्लॉप रैली के नाम में लोग जानेंगे, आज इनका एक्चुअल वर्चुअल रैली भी जो है सुपर डुपर फ्लॉप हो गया। नीतीश कुमार जी
जनता के बीच रहिएगा तो ऐसा नहीं होता। आप जनता से दूर हैं, आप तानाशाह हो चुके हैं, और जो लग रहा था कि नीतीश कुमार जी का चेहरा जो है एकदम हार मान चुके हैं। बताइए, हमारी आधी मेरा उम्र भी नहीं है जितना उनका आधा पूरा जितना राजनीतिक अनुभव होगा उतना मेरा उम्र भी नहीं होगा, फिर भी हमारे सवाल का जवाब ना दे करके इधर उधर से लोगों से गालियां दिलवाने का काम कर रहे, इनडायरेक्टली हमला बोल रहे। नीतीश कुमार जी, हमको गाली देने से नहीं होगा, बिहार की जनता का भला करने से ही काम चलेगा। इसलिए बिहार की जनता मांग रही है नीतीश कुमार जी से जवाब। अब बेरोजगारी अगर हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना होगा, साफ बात है। बेरोजगारी हटाना है तो नीतीश कुमार जी को हटाना पड़ेगा।